हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा और टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स शेयर्स। यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स में या कंपनी में बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती है उसमें जो कैपिटल होती है और कैपिटल में जो शेयर कैपिटल होती है उसमें दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो इक्विटी शेयर नहीं होता है, इनके आगे इसीलिए कुछ परसेंटेज लगी होती है, जैसे 5% प्रेफरेंस शेयर या 7% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब इनको रिटर्न मिलने के लिए 1% निश्चित होती है, राइट। तो जब इनका रिडेम्पशन होता है, इनको रिडेम्पशन में भी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जब इनका रिडेम्पशन होता है तो किन फंड्स का यूज़ करते हैं और किन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व का यूज़ करते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस जो होता है, ठीक है, जो एक डिविजिबल प्रॉफिट से हम संचय बना के रखते हैं उससे हम इनका रिडेम्पशन करते हैं, और बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या फिर बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो प्रीमियम से आई है ये जो फॉरफिटेड से रकम आ गई है, या फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या फिर प्रॉफिट प्रीवियस टू इनकॉर्पोरेशन से जो पैसा आया हुआ है उसका हम यूज़ नहीं करते हैं रिडेम्पशन के लिए। तो रिडेम्पशन के संबंध में किस तरीके से इशू होता है प्रेफरेंशियल शेयर, उसकी एंट्री किस तरीके से रिडेम्पशन होता है और किस किस दशाओं में हो सकता है, किस किस तरीके के मोड हम यूज़ कर सकते हैं प्रेफरेंशियल को शेयर को रिडेम्पशन करने के लिए, उसकी एंट्री के विषय में, ठीक है। तो क्वेश्चन यह है कि 2500 रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, 5% प्रेफरेंस शेयर हैं, ये 100 ये 10 रुपी फेस वैल्यू के थे और फुल्ली पेड अप थे। तो ये 1 अप्रैल 2014 को इशूड किए गए थे और 31 मार्च 2018 को रिडेमेबल थे, मतलब कि 5 साल बाद, ठीक है, 15, 16, 17, 18, ठीक है, नहीं 4 साल बाद, सॉरी 5 ईयर्स बाद ये रिडेमेबल थे, ठीक है। तो इनके लिए एनुअल प्रोविज़न किया गया है रिडेम्पशन के लिए, ठीक है, क्या किया गया, एनुअल प्रोविज़न किया गया रिडेम्पशन के लिए, जो कि प्रॉफिट से ही एक निकाल निकाल के एक रिजर्व बनाया गया है। एनुअल प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ शेयर ऑफ ₹5000 एवरी ईयर, हर साल 5000 का एक फंड बनाया गया है, फंड में डालते हैं पैसे जिससे कि उसका रिडेम्पशन हो सके आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, तो क्या एंट्री करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट उसमें से, ठीक है। तो हम पहले फंड्स क्रिएट करते हैं और फिर जब फंड्स एक निश्चित समय में तैयार हो जाता है तो उन रिडेमेबल प्रेफरेंशियल को हम उनका पेमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने चूंकि ये बताया कि 2014 में इशू करे थे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हमने एक अमाउंट 5000 की ट्रांसफ़र करी, ठीक है, कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के लिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के लिए, किस से, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। यही एंट्री 2015, 16, 17, 18 में बिल्कुल सेम ऐसी ही होती जाएगी कि ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 5000 5 ईयर्स में 25000 हो जाएंगे। तो जब 31 मार्च 2018 आएगा तब तो ये हो जाएंगे 25000। तो हम जो ये 5% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर को हम रिडेमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स कैपिटल को हम शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर लेंगे, कैपिटल को हम शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर, ये लाइन गलत लग गई है, एंट्री पूरी है 5% रिडेमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्रेडिट का होता है, हम डेबिट में लिया है, इसको किस में ट्रांसफ़र करें, 2 5% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में लिया है, ठीक है।
और 25,000 को कैपिटल को हमने होल्डर्स में ट्रांसफर कर लिया। अब इस होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे 5% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 से लास्ट में, राइट। ये तो एक सिंपल चीज़ हो गई। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ कि अगर डायरेक्ट एक फंड से हमने फंड क्रिएट करा और उससे हमने पेमेंट करा, ये तो सिंपल चीज़ होगी। अगर इसका दूसरा मोड क्या है, दूसरा तरीका क्या है, किसी और तरीके से, जैसे कि 1 अप्रैल 2017 को हमको हमारे पास 2500 इशू करे हुए शेयर थे, 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, हमने इशू करे थे कंपनी ने, एक कंपनी ने इशू करे थे, और 10 रुपये ये थे फेस वैल्यू के थे और फुल्ली पेड अप थे, मतलब कि उसको चुकता कर देते जो हो शेयर होल्डर थे उन्होंने चुकता कर देते हैं। और ये आउटस्टैंडिंग किस लिए थे, आउटस्टैंडिंग थे कि रिडेम्पशन इनका होना है, ठीक है, इस डेट में 1 अप्रैल 2017 को ये आउटस्टैंडिंग देन थे, ठीक है। लेकिन शर्त थी ये निश्चित कर लिया गया था, ये डिसाइड कर लिया गया था कि रिडेम्पशन इनका 12 रुपीज़ में होना है, मतलब कि एट ए प्रीमियम होना है और 20% एक्सीड पे होना है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ऑप्शन निकाले, क्या निकाले कि इक्विटी शेयर 1000 इशू कर दिए जाए जो 10 रुपये फेस वैल्यू के हों और उनको 11 रुपये में इशू किया जाए, मतलब प्रीमियम पे ही इशू किया जाए और उससे जो पैसा आएगा उसके लिए उनका रिडेम्पशन किया जाएगा। साथ में इससे तो पैसा कम ही आएगा, अभी आप कैलकुलेट करेंगे तो कम ही आएगा, साथ में क्या बताया जा रहा था कि आपके पास कंपनी के पास बैलेंस ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 35,000 था, ठीक है, 35,000 है। तो अब इन सब से हम रिडेम्पशन करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी कि हम पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमने 1000 इक्विटी शेयर को इशू करा तो 10,000 की कैपिटल हमारी क्रिएटिव लायबिलिटी में, ठीक है, और लेकिन उसके बदले हमको 11,000 रुपये में प्रीमियम के मिल गया क्योंकि उसकी वैल्यू 11 रुपये थी, ठीक है, जो पब्लिक को पे करनी थी, ठीक है, एट ए प्रीमियम। तो 1000 रुपये प्रीमियम भी क्रिएट हो गया टू में क्रेडिट साइड में, ठीक है, इतना 11,000 रुपये आ गए। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमको प्रीमियम की इनके यहाँ पर अगर देखें तो 2 रुपये के हिसाब से हमको 2500 शेयर के हुआ 5,000 रुपये प्रीमियम के पे करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रीमियम का इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि 5,000 रुपये हमको प्रीमियम के देने, 5,000 रुपये हमको देने टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के देने, ठीक है, 5,000 रुपये। तो उसमें 1,000 रुपये तो ये देखिए क्रेडिट में था, डेबिट मिला के इसको हमने कर लिया, इसके मार्फत कर लिया कि इसका पेमेंट इससे हो सकेगा, ड्यू कर लिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट जो इस इक्विटी से आया हुआ है, ठीक है, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो दूसरे हमने रेस्ट अमाउंट जो है वो जो इनके 35,000 का सरप्लस पड़ा हुआ था उसमें से दिए, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 स्टेटमेंट से लिए प्रॉफिट एंड लॉस से, 1,000 इक्विटी से लिए, एग्रीगेट 5,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस की क्रिएट हो गया, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब हमने जो ये अब कैपिटल की बात करते हैं, ये तो प्रीमियम से प्रीमियम चुकाया जाएगा, ठीक है, और प्रीमियम कहाँ से चुकाया गया, इक्विटी के प्रीमियम से और सरप्लस से निकाल के चुकाया गया। अब कैपिटल से कैपिटल चुकाया जाएगी, अब इसकी कैपिटल 25,000 बन रही है 10 के हिसाब से, कैपिटल की बात कर रहे हैं, सिर्फ कैपिटल की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम से तो प्रीमियम हो गया। इस कैपिटल से 10,000 की कैपिटल से पूरी नहीं होगी तो हमको 15,000 रुपये की कैपिटल और चाहिए, तो 15,000 की कैपिटल हम सरप्लस से लेंगे, सरप्लस वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, इसमें से 15,000 रुपये हमने कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट में टू कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, इससे पेमेंट होना है कैपिटल का, 10,000 रुपये तो आई है और ये 15,000 रुपये हो गए, कुल मिला के एग्रीगेट 25,000 हो गया। अब हम इसका पेमेंट करेंगे, ठीक है, 25,000 कैपिटल के आ गया और 5,000 हमारे प्रीमियम के हो गए, ठीक है। तो 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट में इसलिए की जा रही है क्योंकि अब ये कैंसिल हो रही है, रिडेम्पशन हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 25,000, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 5,000 है,
प्रीमियम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का होता है, लेकिन इसको हम डेबिट में डालना, जिससे कि ये हट रहा है यहाँ से, इसको पेमेंट के लिए कर रहे हैं यूज़, तो 5000 वो हो गया। इसका नेचर क्रेडिट का होता है लेकिन डेबिट में डालना है। 2-5% रिडेमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट, होल्डर्स को, इन दोनों से हमने होल्डर्स को क्रिएट कर लिया है, रिडेमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्रिएट कर लिया। अब इसमें शेयर होल्डर्स का पेमेंट हो जाएगा, तो 30000 की हमारे जो हमको पेमेंट करनी थी शेयर होल्डर्स को, वो बना दी हमने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की होगी 5% रिडेमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट है, इनको डेबिट का, और टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने पेमेंट कर दिया, बैंक हमारी कम हो गई और इनका पेमेंट हो गया, राइट। इस तरीके से हम दोनों तरीके से हमने समझा कि एक तरीका डायरेक्ट है कि हम फंड बना लें और फंड जब पूरा क्रिएट हो जाए तब पेमेंट कर लें। दूसरा मोड यह है कि हमने उसके पेमेंट के लिए इक्विटी शेयर को यूज़ करा, इक्विटी शेयर को इशू करा और एट ए प्रीमियम इशू करा है, और साथ में हमने सरप्लस को यूज़ करा, और जो वो रिडेमेबल शेयर जिनका कि हमको पेमेंट प्रीमियम पे करना था उसको हमने पेमेंट करा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।